ओ तेरी भाई साहब, क्या जबरदस्त क्रॉसिंग आई है भाई, है मजा आ गया। भाई मामला लेकिन बहुत खतरनाक चल रहा है यार, एक लाइन के ऊपर तीन ट्रेन है भाई। ये व्यू देखो यार तुम लोग, पता नहीं भाई सब क्या चल रहा है, मेरा दिमाग चकरा रहा है। जो भाई स्टेशन मास्टर भाई, वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा यार मुझे। मतलब यार मेरा दिमाग घूम गया है भाई, क्या चल रहा है भाई, एक्सीडेंट एक्सीडेंट ना करवा दे आ रही है। हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का इंडियन ट्रेन सिमुलेटर के एक और नए एपिसोड में। तो गाइस लास्ट एपिसोड में आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, हम लोग चला रहे थे 12787 नागसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि भाई वेब 4 के साथ दम तोड़ चुकी थी, और उसको भाई हम लोग हॉल कर रहे थे WTG 4D के साथ। तो गाइस फिलहाल अपने को सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है, जो अपने को आउटर पे रोका गया था। तो फटाफट गाइस मैं ब्रेक्स को करता हूँ रिलीज, और यहाँ पे भाई थ्रॉटल के साथ 4-5% हम लोग भाई बढ़ाना चालू करते आगे ट्रेन को। तो फटाफट गाइस हम लोग यहाँ से जबरदस्त एक क्रॉसिंग लेने वाले हैं हमारी 12787 नागासोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। और उससे पहले गाइस ट्रेन आगे बढ़े, फटाफट पहले तो भाई हॉन्क मारते हैं, और हॉन्क के साथ वीडियो लाइक हो जानी चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चैनल, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो ताकि भाई ऑसम जर्नीज आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए गाइस यहां पे फिलहाल डिपार्ट कर चुकी है आउटर से हमारी ट्रेन नागासोल सुपर फास्ट एक्सप्रेस WDG 4D के साथ झांसी शेड का 40304 जबरदस्त भाई एल्को इंजन यहां पे भाई हॉल कर रहा है, वेब 4 दम तोड़ चुका है, और भाई लेके जा रहा भाई यहां पे जनगांव की तरफ। चलो भाई यहां पे फटाफट आप लोग भाई एंजॉय करिए एकदम जबरदस्त प्यारी रियलिस्टिक क्रॉसिंग को, उसके बाद भाई हम लोग बात करते हैं ट्रेन के अंदर। भाई देख लो यार क्या बेहतरीन नजारा हो रहा है भाई, रात का वक्त है, 9 बजने वाले हैं, और जर्नी अब बहुत ही भाई अलग ही मोड़ पकड़ने वाली है यहां से, क्योंकि इसके बाद भाई इसका सेकंड पार्ट चालू होगा जिसमें भाई काफी ज्यादा हैवी ट्रैफिक अपने को मिलने वाला है। तो भाई मजा एकदम दुगना तिगना और चार गुना आने वाला है। बस वीडियो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है ट्रेन लवर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना है चैनल पे। भाई साहब देख लो यार तुम लोग शेड्स जो जबरदस्त पड़ रहे हैं भाई यहाँ पे हमारे उत्कृष्ट कोचेस के, भाई क्या ही प्यारे लग रहे हैं यार, लग ही नहीं रहा भाई ये गेम है भाई, एकदम रियलिटी। बैल के साथ यहाँ पे WDG 4D हॉन्क करते हुए आगे बढ़ रहा भाई यहाँ पे आउटर से जनगांव की तरफ। चलिए गाइज यहाँ पे फिलहाल अपने को सिग्नल भी मिल चुका है, गार्ड साहब ने वाला अपने को बोल दिया है कि अब डिपार्ट करना है, तो आई थिंक सो वी आर क्लियर, और ट्रेन अपनी लाइक ऑलरेडी बढ़ चुकी है भाई यहाँ से। बस एक बार मैं जरा दोबारा से लाइक देख लेता हूँ, आई थिंक सो हम लोग सही जा रहे हैं, मेन लाइन पे जाने वाले हैं जनगांव की, जो कि ऑब्वियसली 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो मेन लाइन पे अपने को चढ़ना है फिलहाल गाइज आउटर से, ठीक है, उसके बाद अपने को गिवन स्पीड लिमिट थोड़ा सा बढ़ा के दे दी जाएगी, लेकिन अभी गाइज हम लोग थोड़ा सा स्लो ही चलते हैं क्योंकि यहां से अभी अपने ट्रैक्स जो है वो डाइवर्ट होने वाले हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, तो वो जरा बचाने के लिए हम लोग अभी से ही थोड़ा सा कॉशन यहाँ पे बरत रहे ताकि भाई कोई भी दिक्कत ना हो हमारे पैसेंजर्स को, और ये जर्नी काफी बढ़िया सेफ और जबरदस्त रहे। चलिए भाई फटाफट चलते हैं सीधा पैसेंजर व्यू के अंदर। ऑल राइट गाइज, तो फिलहाल हम आ चुके हैं गाइज पैसेंजर व्यू में, थोड़ा सा पीछे चल ले गया, हाँ यहाँ पे लाइक बेटर है। अब थोड़ा सा भाई यहाँ पे मैं बाहर नीचे वाला खोल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अपने को भाई पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली भाई क्या और कहाँ पे चलना है अभी अपने को। तो नेक्स्ट स्टॉप गाइज अपना होने वाला है जनगांव मेन लाइन, मेन लाइन पे गाड़ी आ चुकी है, एक काम करते हैं इनफैक्ट मैं यहाँ पे अंदर आ जाता हूँ भाई थोड़ा सा लोगों के, ताकि अपने को भाई थोड़ा सा बेटर व्यू आए रोकने वाला। ये देख लो भाई तुम लोग क्या ही जबरदस्त माहौल लग रहा है, बाकी ये सब मैंने खोल रखा था यार, खिड़की वैसे खुली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का सा गाइस बाहर भी आ जाते हैं हम इनफैक्ट, ताकि थोड़ा सा अपने को यहां से भी लाइक चीजें दिखे लाइक दैट। अब थोड़ा सा भाई पीछे रहते हैं हम और प्रॉपरली थोड़ा सा भाई ट्रेन लगाने की कोशिश करते हैं पहले तो जनगांव पे।
बट यार जलगांव पे मुझे क्यों रोका जा रहा है भाई? यहाँ से कोई बोर्डिंग तो फिलहाल है नहीं, लेकिन आई डोंट नो क्या रीजन है कि जलगांव पे अपने को रोका जा रहा है। बट जो भी भाई सिग्नल वगैरह है वो अपने फॉलो करना है, ऑब्वियसली यार शेड्यूल के साथ ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बाकी अपने को मेन लाइन पे ही रोका जा रहा है और जो उसका प्लेटफॉर्म, ओ भाई साहब एक टाइम के लिए लिटरली लगा भाई मुझे कुछ सीन ना हो जाए यार, फिर मेरे को पता चला रहे भाई हम बीच वाली लाइन पे हैं। मुझे लग रहा था शायद हम डाइवर्ट करके ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं, बट नहीं 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 भाई बच गए भाई। भाई सीन हो गया भाई, डर लग गया था लिटरली, मैं बता नहीं सकता यार तुम लोग को। जीरो कर लो भाई पहले तो, आई थिंक सो कोई ट्रेन है। 07168 कोटियम हैदराबाद स्पेशल फेयर सबरीमाला स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाइज, इसीलिए हो सकता है शायद अपने को यहां पे रोका जा रहा है, दैट्स द रीजन। थोड़ा सा और बढ़ लो भाई आगे, आराम आराम से एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे भाई आप लोग जरा क्रॉसिंग चेक कर लो, अरे रुकना नहीं है भाई, थोड़ा सा धीरे धीरे आई, हल्का सा और आगे रुकेंगे भाई, एकदम पैरेलल रुकेंगे भाई सबरीमाला एक्सप्रेस के। बाकी देख लो यार रात में खड़ी हुई है भाई दो उत्कृष्ट ट्रेनें यहां पे अगल बगल में, एक खड़ी भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और एक आ चुकी है यहाँ पे मेन लाइन के ऊपर। बट यार अपने को जब रोकना था या इससे ओवरटेक कराना था तो भाई, अरे भाई ओवरटेक करके जा रही है यार सबरीमाला मेरे को, भाई सीन समझ नहीं आया लाइक मुझे। भाई अगर इससे ओवरटेक कराना था तो भाई इसको मेन लाइन पे डालते या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे डालते, यार मेरे को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे डाल देते, मेन लाइन पे क्यों रखा भाई मुझे। खैर जो भी हो स्टेशन मास्टर समझे भाई वो चीज, बट यहाँ पे गाइस फिलहाल अपने को रेड सिग्नल दे दिया गया है तो अपने को फिलहाल गाइस वेट करना है। और यहाँ पे स्पीड पकड़ चुकी है फिलहाल सबरीमाला सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाइस, देख लो भाई तुम लोग, ओ तेरी भाई साहब क्या जबरदस्त क्रॉसिंग आई है भाई, है मजा आ गया एक नंबर भाई एक नंबर। थोड़ा सा गाइस निकलते हैं ट्रेन से और क्या, समोसे वमोसे खा के आएंगे हम, हल्का सा चाय समोसे, मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे जाने गाँव पे काफी तगड़े मिलते हैं। और भाई कोई काम ही नहीं करने को अपने को यहाँ पे, तो अभी समोसे ही खाएंगे हम। वैसे देखा जाए तो सिग्नल अपने को मिल चुका है येलो, लेकिन यार मैं 9:20 पे बढ़ाऊंगा आगे, ठीक है अपने को रिस्क नहीं लेना यार, क्योंकि भाई वो ट्रेन जस्ट अभी निकली है मेन लाइन पे और अभी प्लेटफॉर्म वन से निकली है तो अभी जस्ट चढ़ी होगी मेन लाइन पे, तो हमारी स्पीड के सामने भाई वो ज़्यादा ऑब्वियसली नहीं भाग पाएगी, तो एक्सीडेंट होने का भाई फुल चांस है, तो ना भाई वेट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है इतना वेट किया है तो 3 मिनट और सही। बट गाइस चलो तब तक मैं आपको थोड़ा सा जनगांव का यहाँ पे व्यू दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई इंटीरियर यहाँ पे जनगांव स्टेशन का, और यहाँ पे ऑटो ऑटो भाई फुल खड़े हुए हैं, अगर कोई रात में आता तो भाई आराम से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा घर जाने के लिए। लेकिन गाइस फिलहाल हमारी ट्रेन जो है लगी हुई है जनगांव पे मेन लाइन के अंदर, और भाई अब आई थिंक सो अपने को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है गाइस, बस 18 ही हुआ है यार, 2 मिनट और है अभी, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं यार और क्या, कोई तो भाई ट्रेन आ रही है, लेकिन भाई कोई ट्रेन आ रही है यहाँ पे फिलहाल। बाकी आई थिंक सो यार हम बढ़ सकते हैं यार अभी, ठीक है टाइम हो चुका है, मैं भी हॉर्न दे देता हूँ। ऑल राइट गाइस तो फिलहाल टाइम हो चुका है, तो यहां पे मैं ब्रेक्स को करूंगा रिलीज और यहां पे थ्रॉटल पावर दूंगा 10% और भाई बढ़ाना चालू करते हैं अपनी ट्रेन को फिलहाल जनगांव स्टेशन से, ठीक है। और यहां पे गाइस एक और ट्रेन अराइव कर रही है जनगांव स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 पे, और ये है गाइस 12705, कौन सी ट्रेन है भाई एक मिनट, गुंटूर सिकंदराबाद इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाइस, ये वाली ट्रेन हम चला चुके ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा ये वाली ट्रेन हम ऑलरेडी लाइक चला चुके हैं वैप 7 के साथ, गुंटूर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और इसका यहां पे आई थिंक सो स्टॉप रहेगा। ये देख लो भाई मैंने क्या बोला था यार, अब यहां से जर्नी भाई बहुत ज्यादा लाइक जबरदस्त होने वाली है, तो भाई एकदम तैयार हो जाओ यार सीट बेल्ट पकड़ के, चिप्स वगैरह ले लो यार, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो, क्योंकि जर्नी बहुत खतरनाक होने वाली है, ट्रैफिक भरपूर मिलने वाला भाई अपने को। चलिए फिलहाल गाइस हम लोग इंटरसिटी एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं, सबरीमाला ने भाई अपने को ओवरटेक किया, इंटरसिटी को भाई हम ओवरटेक कर रहे हैं, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। थोड़ा सा भाई यहाँ पे थ्रॉटल बढ़ाते हैं अपना 25% पे, और यहाँ पे भाई ओवरटेक कर दिया यार हमने,
चारगांव पे भाई मजा आता है भाई ओवरटेक करने में, कुछ भी बोलो यार। चलो आप लोग भाई जब तक ओवरटेक को यार एंजॉय करिए। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल ओवरटेक हम लोगों ने सक्सेसफुली कर दिया है चियानगांव को और इंटरसिटी एक्सप्रेस को। अब भाई थोड़ा सा हम आ जाते हैं इस साइड की तरफ, क्योंकि भाई यहाँ पे अगर क्रॉसिंग होगी तो अपने को थोड़ा सा इस साइड तरफ रहना पड़ेगा, वरना भाई अपनी क्रॉसिंग मिस हो जाएंगी यहाँ पे। तो गाइज अपना अब नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है पेम भारती प्लेटफॉर्म नंबर 2, और उसके बाद गाइज अपना एक और स्टॉप रहेगा मेन लाइन, और ये जो पहला पार्ट है इस जर्नी का वो एंड हो जाएगा। उसके बाद भाई कंटिन्यू होगा सेकंड वाला पार्ट, जिसमें भाई और भी ज़्यादा ट्रैफिक और बसड़ होने वाली है। भाई फटाफट यहाँ पे मैं स्पीड अप दे देता हूँ, क्योंकि गिवन स्पीड लिमिट 130 की दे दी है भाई इनने, तो मैं यहाँ पे थोड़ा 41 का दूंगा, ठीक है। इनने बोला था कि थोड़ा सा 30 पे कंट्रोल करो, बट यार मैं इतना स्लो तो नहीं चलाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। आई नो वो अपने को कवर अप करना है डिस्टेंस उस ट्रेन के हिसाब से, क्योंकि अभी सबरीमाला अपने को ओवरटेक करके निकली है सेम लाइन के ऊपर, तो थोड़ा सा वो डिस्टेंस मेंटेन करना है अपने को उस ट्रेन से। वही रीज़न है कि अपने को बोला गया है 30% थोड़ा पावर चलाओ, अभी एकदम 100 या 120 नहीं भगानी है ट्रेन। बाकी ठीक है यार, कर लेंगे यार कंट्रोल को, दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यार ये कॉलेज वॉलेज है क्या कोई, पता नहीं यार गाइस, तुम लोग को पता हो यार ये घर मकान कॉलेज क्या है तो बताना यार। ओवर एंड आउट कार्ड साहब, कैसे हो भाई, उठ गए सो के? तो गार्ड साहब यहाँ पे फिलहाल सो के उठ चुके हैं, रात में भाई बीच बीच में सो जाते हैं। और गाइस यहाँ पे फिलहाल ट्रेन आ रही है, क्रॉसिंग ले लो यार तुम लोग, ठीक है, उसके बाद भाई बात करते हैं आगे। 12764 सिकंदराबाद तिरुपति पद्मावती सोफास एक्सप्रेस, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। क्यों भाई आया ना मजा, अगर मजा आया हो भाई ये क्रॉसिंग देख के तो वीडियो भाई लाइक हो जानी चाहिए। अब लेट्स गो। अब आई थिंक सो यहाँ पे 110 की स्पीड लिमिट दे दी गई है, तो फटाफट मैं थ्रॉटल मारता हूँ भाई 90% पे। अब भाई थोड़ा जलवा दिखाएगा हमारा यहाँ पे WDG 40 फुल हॉर्न के साथ, एकदम रात में भाई अंधेरे को चीरते हुए निकलेगा अभी अपना जो एल्को है। अब सुनो भाई तुम लोग यहाँ पे क्या ही जबरदस्त ट्रैक साउंड आ रहे हैं और क्या ही जबरदस्त हॉकिंग साउंड आ रहा है यहाँ पे WDG 40 का। पर थोड़ा सा ध्यान रखना भाई अपने को एक चीज कि यहाँ पे भाई प्लेटफॉर्म आने वाला है, पेम भारती स्टेशन आने ही वाला है, 2 ही किलोमीटर रह गया है मात्र, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन कर लेते हैं गाइस हम, वरना भाई पता चला प्लेटफॉर्म उड़ाते हुए निकल गए यार हम सीधा भाई यहीं से नौकरी गायब और फिर ये लास्ट वीडियो हो जाएगा यार अपना, तो अपने को भाई वो काम नहीं करने अभी। बट यहाँ पे मैंने भाई स्लो डाउन कर दिया है, ब्रेक्स नहीं दे रहा हूँ, बट मैंने थ्रॉटल भाई एकदम जीरो कर दिया है। 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने दो, क्योंकि आई थिंक सो अपना जो अराइवल है वो है 9:28, तो अभी भी अपने पास 3 मिनट है, आई थिंक सो हम कवर अप कर लेंगे। अभी भी 70-80 की स्पीड मेंटेन कर रही है हमारी ट्रेन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइज लाइक आज मेरा थोड़ा सा भाई गला वाला खराब है, तो आवाज़ हल्का सा डिफरेंट दिखेगी, लगेगी हो भी सकता आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, बट यार कर ले यार अभी तुम लोग एडजस्ट, क्योंकि अभी तबीयत मेरी थोड़ी सी डाउन चल रही है, तो हो सकता है शायद उतना एनर्जी ना मिले वीडियो के अंदर, लेकिन मैं करूँगा भाई अपने एंड से ट्राई जितना भी भाई एनर्जी डाल सकता हूँ वीडियो के अंदर। और थोड़ा सा लाइक ज़्यादा शांत भी हो सकता है मैं रहूँ इस एपिसोड में, क्योंकि बीच में लाइक मुझे कफ वगैरह आएगा, खांसी वगैरह आएगी, तो
उससे बेटर ये कि थोड़ा सा मैं शांत रहूंगा, अगर ज्यादा बोलूंगा तो भाई ज्यादा फिर खांसी वगैरह आएगी मुझे। बट यार यहाँ पे फिलहाल थ्रॉटल तो मैंने भाई लो कर दिया है और पेम्बार्थी की तरफ हम फिलहाल तो बढ़ रहे हैं आराम आराम से, और सारे सारे प्लेटफॉर्म्स मुझे जो है खाली दिख रहे हैं। तो गाइस फिलहाल यहां पे हम डाइवर्ट होने वाले मेन लाइन से प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर, ठीक है, थोड़ा स्लो ही डाइवर्जन करते हैं हम। बाकी स्पीड मेरी थोड़ी सी ज्यादा कम है, आई थिंक सो 5 का थोड़ा हम दे सकते हैं। सामने सबरीमाला खड़ी है क्या ये? आई डोंट नो यार, लाइक अगर वही है तो फिर एक मिनट यार, फिर तो भाई हम ओवरटेक करके जाएंगे इसको यार। लग मुझे यार वही रहा है, शायद सबरीमाला ही है। लेट्स सी, फॉलिंग मार्क गाइस क्रॉस हो चुका है, मेन लाइन से हम डाइवर्ट होके आ चुके हैं यहां पे आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर। सामने भाई मुझे सबरीमाला ही लग रही है भाई, फिर निकाले ही क्यों था यार इसको आगे, जब इसको ओवरटेक ही कराना था यार हमारी ट्रेन से। पर देख लेते यार, लाइक ये तो मेरा अजम्पशन है कि ये सबरीमाला है, क्या पता भाई कोई दूसरी ट्रेन हो या फिर कोई पैसेंजर वगैरह हो। कह रहा भी थोड़ा सा और क्लोज जाएंगे तो पता चलेगा अपने को। बट गाइज यहाँ पे देख लो यार क्या ही ब्यूटीफुल नज़ारा, रात का वक्त और पेम भारती प्लेटफॉर्म, हम लोग भाई यहाँ पे अराइव कर रहे हैं भाई जबरदस्त तरीके से, मजा आ गया। फिलहाल गाइज थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी दिखाई देता हूँ और यहाँ पे अपना ये ऑन कर लेते हैं, पता चलता रहेगा भाई कि कहाँ पे रुकना भाई ट्रेन अपने को। यस गाइस आई थिंक तो सबरीमाला ही है ये, हाँ वही है गाइस, वही है भाई। यार ये तो बेइज्जती हुई यार इसकी, इसको आगे निकाला क्यों था हम लोग जब इसको ओवरटेक करके जाने वाले हैं। पता नहीं भाई क्या पता लाइक दोबारा ओवरटेक मार दे यार, ये कुछ कह नहीं सकते यार, इंडियन रेलवे है भाई ये, कभी कभी कुछ चीजें ना ही समझो तो बेटर है। यहां पे अब मैं थ्रॉटल जीरो कर देता हूं क्योंकि अब अपने को यहां पे रोकना पड़ेगा अपना लोकोमोटिव क्योंकि आगे सिग्नल अब रेड हो रहा है। रोक दो भाई, ये देख लो भाई क्या ही प्यारी भाई रुकी है यहाँ पे ट्रेन एकदम भाई, दोनों ट्रेनें क्लोज रुकी हैं, क्या जबरदस्त लग रही हैं यार, आ रहा भाई मजा। खैर गाइस यहाँ पे दोबारा टाइम टेबल चेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 9:28 पे हमने रोक दिया गाड़ी और 9:39 पे भाई अपने को डिपार्ट करना है यहाँ से। भाई साहब ये क्या भाई, ये क्यों हुआ है ऐसा, क्यों ये चीज भाई मुझे समझ नहीं आई लाइक लिटरली। 10 का हॉल्ट, ओके एनीवेज गाइस 10 का हॉल्ट है हमारे पास, क्या करेंगे भाई उतरेंगे ट्रेन से और क्या। ये वाली जो ट्रेन है गाइस सबरीमाला सोफास्ट एक्सप्रेस, हमने भाई थोड़ा सा लाइक पीछे रोका है यार राइट, हल्का सा क्या और आगे बढ़ा सकता हूं मैं, लाइक कोई दिक्कत होगा नहीं यार अगला का सा और आगे बढ़ा दो, तो थोड़ा सा और बढ़ा लो यार ज्यादा बढ़िया लगेगा है ना, पैरेलल ही खड़ी करते हैं ना दोनों को। आंदो भाई आंदो आंदो, अरे बढ़ रही है भाई, नहीं बढ़ रही है, हाँ थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है भाई, बहुत धीरे धीरे बढ़ाना भाई एकदम। अरे टेंशन मत लो यार, तुम लोग चाय वाय पियो आराम से, समोसे खाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन जा नहीं रही है, ट्रेन बस थोड़ा सा आगे कर रहे हैं ताकि भाई बेटर लगे, हल्का सा लाइक पीछे रोक दी थी हमने और कुछ नहीं। यहां पे आई थिंक सो ये जो वो खड़ा है ना ये WAG 7 है, यप ये काफी लाइक पुराना लोकोमोटिव है और इसको भी लाइक हमने चलाया है कोई तो जर्नी में, केरला वाली जर्नी में। बट गाइस एसिया रूट की जर्नी के बाद अब नेक्स्ट केरला रूट की जर्नी आने वाली है और थोड़ा साउथ साइड चलेंगे हम लोग। परफेक्ट, ये हुई ना बात, अब लग रही भाई जबरदस्त, दोनों भाई यहां पे लोकोमोटिव भाई पैरेलल ही खड़े हो गए फिलहाल। यार ये वाली ट्रेन को तो भाई सिग्नल है यार यहां पे, ये जा क्यों नहीं रही है, सबरीमाला को भी कोई ओवरटेक करके आने वाली है क्या,
ऐसा होना नहीं चाहिए भाई, मेन लाइन पे देखो सिग्नल ग्रीन है यार, फ्री ट्रेन निकल क्यों नहीं रही है, समस्या क्या भाई इस ट्रेन में? पता नहीं भाई क्या चल रहा है, हमको क्या यार, अपने को तो भाई 10 मिनट का हॉल्ट है, तो हम तो भाई आराम से वेट करेंगे गाइस, फिलहाल तो हम वेट ही कर रहे हैं। और अभी भाई मैंने थोड़ा सा भाई जूम करके देखा तो भाई मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे गुंटूर इंटरसिटी एक्सप्रेस है, उसको भाई हम लोग ओवरटेक करके आए थे, वो भी भाई हमारे ही भाई लाइन पे खड़ी हुई है। तो भाई आप देख सकते हो एक मेन लाइन के ऊपर तीन ट्रेनें चल रही है भाई यहाँ पे, एक तो भाई सबरीमाला, दूसरी भाई हमारी जो है ये नागरसोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, और तीसरी भाई गुंटूर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई क्या ही चल रहा है भाई यार यहाँ पे, चलो यार यहाँ पे ये वाली ट्रेन खुल चुकी है, फिलहाल क्रॉसिंग ले लेते हैं, सबरीमाला भाई खुल चुकी है भाई, यार मुझे पता ही था यार दोबारा तो भाई ओवरटेक मारेगी है और कुछ नहीं। एनीवेज भाई मामला लेकिन बहुत खतरनाक चल रहा है यार, एक लाइन के ऊपर तीन ट्रेन है भाई साहब, बस यार सक्सेसफुली सब जाए, यहाँ पे कोई समस्या ना हो, बस यही चाहिए अपने को भाई, मतलब समझ रहे हो यार, दो ट्रेनें समझ में आती है फिर भी जिसमें मेरा डिस्टेंस होना चाहिए, बट यहाँ पे भाई एक स्टेशन के ऊपर ऑलमोस्ट यार दो दो चार चार किलोमीटर की रेंज में भाई तीन तीन ट्रेनें चल रही है भाई, मतलब समझ रहे हो यार तुम कितना खतरनाक है यार ये। बट चलिए गाइस सबरीमाला फिलहाल निकल चुकी है, और इस सामने से भाई एक और ट्रेन आ रही है, ले भाई साहब इसे बोलते भाई ट्रैफिक ओपी कर दो यार एक बार तुम लोग फटाफट भाई कमेंट बॉक्स में। सामने से भाई कोई तो यहां पे लोकल ट्रेन आ रही है, अराइव कर रही है फिलहाल पेम भारती प्लेटफॉर्म नंबर 2 स्टेशन के ऊपर, ये देख लो भाई साहब जबरदस्त भाई चली आ रही है। अरे भाई साहब फिर रुक गई आ रही है सबरीमाला, ये क्या कर रही है भाई ये सबरीमाला ट्रेन भाई, वहां जाके फिर रुक गई है, इसमें भाई कोई समस्या है तो बताओ यार, लाइक मुझे समझ नहीं आ रही बात। और यहां पे भाई अब इसको सिग्नल दे दिया गया आई थिंक सो, गुंटूर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मे बी मेन लाइन पे लाया जाएगा, पता नहीं भाई सब क्या चल रहा है, मेरा दिमाग चकरा रहा है, जो भी भाई स्टेशन मास्टर भाई वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा यार मुझे, मतलब यार मेरा दिमाग घूम गया है भाई, क्या चल रहा है भाई, एक्सीडेंट न करवा दे आ रही है। बट यार यहां पे तुम लोग देख लो यार ये 0758 सिकंदराबाद कजीपेट मेमू लोकल ट्रेन यहां पे फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकल चुकी है, यहां पे स्टॉप नहीं यार इसका, ऐसा कैसे पता नहीं भाई यार, हॉल्ट तो नहीं लिया भाई इसने, सही है भाई, बट ये लो भाई अराइव कर रही है यहां पे अब भाई, चल क्या रहा है यार ये लिटरली क्या चालू है भाई, ये अराइवल देख लो भाई तुम लोग आराम से, अब यहां पे गुंटूर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का एक लाइन पे भाई तीन ट्रेनें, अच्छा वो रुक गई यार, वो वहां पे जाके रुकी है मेमू ट्रेन और फिर रुकी गई है, और सामने भाई वो अभी भी मेन लाइन पे रुकी हुई है भाई साहब यार, वेब 7 के साथ चलिए रुक जाइए, मुझे पता भाई रुकना ही पड़ेगा तुम्हें, और कोई ऑप्शन नहीं है आगे, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा अगर आगे बढ़ी ट्रेन तो। पता नहीं भाई इसको लाइन क्लियर नहीं है, एक बार क्या देख के आए क्या इसका सी, चलो एक बार देख के आते हैं गाइस, भाई यार इसकी लाइन तो क्लियर है यार, और ये भाई बिना मतलब है रुकी हुई है, मतलब पता नहीं भाई मैं अभी आया, हो सकता है अभी सिग्नल मिला हो शायद, बट जो भी है यार फिलहाल फिर से लाइक डिपार्ट तो कर चुकी है ये सबरीमाला सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हो सकता है गाइस अभी सिग्नल मिला हो, क्योंकि हम लोग वहां पे थे तो अपने को वहां से सिग्नल नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे आए तो भाई ग्रीन जस्ट हुआ है ये सिग्नल, यस इसीलिए अब जस्ट निकल गई है ट्रेन, आप देख सकते हो रफ्तार तो भाई 2 मिनट में पकड़ रही यार ये वैग 7 भाई पावरफुल तो है। चलो भाई वापस चलते हैं अपना प्लेटफॉर्म पे, और क्या भाई बातों ही बातों में यार तुम लोग देख सकते हो यार बस 2 मिनट बचे हैं और हमारा भी लाइक टाइम होने वाला है, येलो सिग्नल ऑलरेडी लाइक हो चुका है, तो हम भी भाई अब ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं यहाँ पे, मैं यार सोच रहा हूँ यहां से क्रॉसिंग ली जाए इसके, ठीक है यहां से क्रॉसिंग ली जाए या फिर इनफैक्ट हम डोर व्यू से क्रॉसिंग लेते हैं, ठीक है थोड़ा सा लाइक पीछे चलते हैं गाइस, सेकंड डीसी से गाइस क्रॉसिंग लेंगे यहाँ पे, मजा आएगा भाई साहब ठीक है, एकदम रियलिस्टिक क्रॉसिंग, वैसे साउंड नहीं आ रहा भाई सेकंड एसी बिल्कुल भी, अब भाई थोड़ा सा पैसेंजर व्यू से हम ट्रैवल करने वाले हैं, मेमू ट्रेन खुल चुकी है,
अब भाई हमारी ट्रेन भी खुलने वाली है। परफेक्ट, ये लो भाई हमारी ट्रेन भी भाई खुल चुकी है और अब यहां से भाई हम लोग देखेंगे ओवरटेक करते हुए इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। भाई ये व्यू देखो यार तुम लोग, भाई साहब मतलब मैं बयान नहीं कर सकता यार, तुमको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। जिनको भाई ट्रेन में जर्नी करना पसंद है यार, जिसको इंडियन ट्रेन पसंद है उसको पता है भाई कि क्या ही व्यू था यार वो। ये देख लो भाई तुम लोग, बस अब तुम लोग अंदर तो भाई पूरा एंजॉय करो यार यहां पे क्रॉसिंग को। थर्ड एसी में आ जाते भाई, थोड़ा सा और लाइक बेटर व्यू आएगा। व्यू देखो यार तुम लोग, व्यू देखो बस। फिलहाल भाई थर्ड एसी में हम लोग और ओवरटेक कर रहे हैं यहां पे इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। भाई एसी का भाई यही भाई सीन है भाई, बिल्कुल भी भाई साउंड नहीं आता यार बाहर का, मतलब ट्रैक साउंड आ रहे हैं बट उतने ज्यादा नहीं आ रहे जितने लाइक स्लीपर या फिर जब डोरियो में रहते हैं तब भाई खतरनाक ही आते हैं। बट फिलहाल यार क्या ही क्रॉसिंग चल रही है यार यहाँ पे। ये देख लो भाई वेव 7 को क्रॉस कर दिया है, चलते हैं भाई डोरियो पे। और यहां से गाइस अपने को 8 किलोमीटर का रन है, स्पीड लिमिट फिलहाल तो अभी 30 की दे रखी है तो अभी हम मेंटेन करेंगे उतना ही, उसके बाद भाई भगाना चालू करेंगे। पांच परसेंट पे डालता हूं मैं यहां पे थ्रॉटल को क्योंकि अभी हम 34 पे मेंटेन कर रहे हैं। और यहां पे गाइस जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो एलर मेन लाइन, और वहां पे भाई अपना पार्ट 1 फाइनली खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद भाई नेक्स्ट एपिसोड से आएगा पार्ट नंबर 2 नागासोल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। भाई बहुत मजे आने वाले भाई जर्नी में, ये मैं गारंटी दे सकता हूं यार तुम लोग को। बाकी टाइम हो रहा है यार 9:41, तो ऑलमोस्ट भाई 10 बजने वाला है, रात बढ़ रही है वैसे वैसे भाई जर्नी का मजा बढ़ रहा है यहाँ पे। और अब भाई अपने को स्पीड लिमिट दे दी गई है तो फिलहाल मैं अब डाल देता हूँ भाई थ्रॉटल को यहाँ पे 80% या 90 पे, इनफैक्ट 90 पे डाल देता हूँ क्योंकि रन अच्छा है ये 7-8 किलोमीटर का, तो अगर भाई कोई क्रॉसिंग वगैरह हुई तो एकदम सुपर फास्ट भाई क्रॉसिंग लेंगे हम लोग, ठीक है यार। लेकिन एक क्रॉसिंग भाई मुझे अंदर से चाहिए थी यार, बट ठीक है कहीं से भी मिल जाए यार, अब लाइक पैसेंजर व्यू से मेरा मन था लेने का। ट्राई करेंगे होपफुली अगर ये वाले जो डिस्टेंसेस में एक क्रॉसिंग मिल जाए। ओवर एंड आउट गार्ड साहब, समोसे वमोसे खाए थे कि नहीं पिछले वाले स्टेशन पे? काफी अच्छे थे भाई, लेकिन यहाँ पे मेन लाइन की स्पीड अपने को 110 किलोमीटर पर आर दी गई है तो ऑब्वियसली हम वही मेंटेन करने वाले हैं। गार्ड साहब थोड़ा सा जागते रहना अभी क्योंकि ये अपना जो पार्ट 1 है वो खत्म होने वाला है, सीधा फिर अपन की मुलाकात होगी पार्ट 2 के अंदर, तो अभी अपने को प्रॉपरली रोकना है यहाँ पे एलर के ऊपर गाड़ी को, थोड़ा सा भी जागते रहिए, हल्का सा इस साइड आ जाते हैं अब ताकि आपको एक सिनेरियो वगैरह भी दिखा सकूं मैं। सीनरी इस साइड ज्यादा बेटर है, ज्यादा रियलिस्टिक वाली वाइब आ रही भाई इस साइड, ये देख लो आप क्योंकि पोल्स वगैरह है ना तो उससे लाइक ज्यादा बेटर लगता है यार व्यू, मतलब और ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है पोल्स की वजह से। भाई मेरी नजर अभी वही है भाई क्रॉसिंग के ऊपर, थर्ड एसी से भाई क्रॉसिंग चाहिए भाई मुझे, थर्ड एसी सेकेंड एसी कहीं से भी मिल जाए बस एक पैसेंजर व्यू से।
और फिलहाल 5 किलोमीटर और रह गया है पहले यहाँ पे। फिलहाल तो हम अभी मेंटेन कर रहे हैं, 2 किलोमीटर आने दो फिर थोड़ा सा स्लो डाउन करना चालू करेंगे गाड़ी को। बाकी एलर वाले भाई जितने भी यात्री हैं सामान वामान भाई तुम लोग जरा पैकिंग करना चालू कर दो जिसको भाई उतरना है एलर के ऊपर। फिलहाल तो भाई एकदम सन्नाटा है अभी बगल वाली लाइन पे हमारे, और हो भी सकता है लाइक यहाँ पे अब ज्यादा कुछ है नहीं बड़ा स्टेशन, एलर के बाद ही भाई कोई बड़े स्टेशन आएंगे, तो हो भी सकता है लाइक क्रॉसिंग ना हो ये वाले जो डिस्टेंसेस के बीच में। बट हाँ इतना मैं गारंटी देखता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में भाई आपको भाई जबरदस्त क्रॉसिंग्स मिलने वाली है। काफी लाइक अंधेरा हो गया यार क्योंकि रात के यहाँ पे 10 बज चुके हैं, शायद भाई कोई क्रॉसिंग हो जाए। भाई मालगाड़ी भी चलेगी यार मुझे तो सच बता रहा हूं, अगर मालगाड़ी की भी क्रॉसिंग हो गई ना वो भी चलेगी भाई मुझे। ऑल राइट गाइज ऑल राइट, फिलहाल यार यहां पे एलर हम अराइव करने वाले हैं ज्यादा भाई स्पीड में, अभी हम थोड़ा भाई स्लो डाउन करना चालू करते हैं। ऑलमोस्ट अराइव करने वाले भाई हम, तो यहाँ पे और थोड़ा सा भाई स्लो डाउन करना चालू करते हैं हम गाड़ी को। 62% में भाई फिलहाल मैंने भाई ब्रेक्स डाले हुए हैं ट्रेन के, होपफुली यार रुक जाएगी टाइम पे जाके। अभी मैं भाई रिलीज कर देता हूँ, कुछ ज्यादा भाई स्लो हुई यहाँ पे भाई, सामने ब्रिज है। कौन सी नदी है भाई ये? एलर वागू, एलर वागू भाई नदी है, और यहां पे भाई पानी भी भाई नदी के अंदर भाई, भी जबरदस्त साउंड आएगा यार नदी के ऊपर से। एक मिनट में जरा यार ये हटाता हूं ताकि भाई आप लोग यहां पे एंजॉय कर सको ब्रिज का साउंड। ये देख लो भाई, ये भाई जबरदस्त नजारा लग रहा है यार एकदम, ब्रिज के ऊपर से भाई ट्रेन जा रही है, ये देख लो भाई भयंकर भाई एकदम रियलिस्टिक। फिलहाल तो भाई हम हौले हौले ऑलमोस्ट बस पहुंचने ही वाले हैं गाइस, ऑलमोस्ट। अब भाई यहां पे देख लेता हूं मैं, तो 1 किलोमीटर और गाइस अपने को जाना है और उसके बाद भाई अपने को फाइनली जाके रोक देना है एलर मेन लाइन पे। हांगकांग में दे देता हूं थोड़ा सा ताकि प्लेटफॉर्म यहां पे भाई अपना खाली हो जाए। बट यार अपना जो स्टॉप है ना यार एलर पे भी यहां पे मेन लाइन पे ही डाला हुआ है, और ये लाइक थोड़ा सा बड़ा स्टेशन तो है, ये हल्का सा लाइक जंक्शन टाइप है, बट तब भी भाई अपने को यहाँ पे मेन लाइन पे रोका गया है। और भाई अपने यहाँ पे फिलहाल ट्रैक्स चेंज हो रहे हैं, तो भाई आप लोग साउंड जरा एंजॉय करिएगा अभी ट्रैक्स चेंज का। ये देखो भाई और यहां पे भाई एक वो खड़ा हुआ है यार WDM 3D शायद WDG 4D, क्या दूर से WDM 3D लग रहा था लेकिन नहीं WDG 4D है ये। और भाई हम लोग फिर से भाई मेन लाइन पे आ चुके हैं एलर के, और भाई अपने को फिर से लाइक मेन लाइन पे रोका जा रहा है। मुझे लग रहा है यार हो ना हो यार वो इंटरसिटी को ये लोग ओवरटेक कराना चाहते हैं, अब वो अपने को लाइक पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि भाई यहाँ पे जो हमारा सिनेरियो है उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। तो
तो अपने को भाई असलियत पता चल जाएगी भाई क्यों अपने को बार बार भाई मेल लाइन पे रोका जा रहा है। मतलब एक बार तो अपने को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे रोका गया, पिछला जो बमबारती था वहां पे, बाकी हर बार भाई अपने को मेल लाइन पे ही रोका गया है। मतलब मेल लाइन पे कोई सेंस बनता नहीं है यार रोकने का, बट एनीवेज जो भी हो, फिलहाल गाइज हम लोग आ चुके हैं इस एपिसोड की फाइनल डेस्टिनेशन एलिर के ऊपर। अभी भाई परफेक्टली लगा देते हैं आरम ट्रेन, थ्रोटल जीरो है, बस अपने को ट्रेन रोकनी है जाके। और जॉइंट्स के साउंड भाई क्या ही जबरदस्त आ रहे हैं, मतलब जॉइंट्स तो हैं इस सेक्शन में काफी ज्यादा। थोड़ा सा ब्रेक देना चालू कर दो यहां पे। थोड़ा सा और बढ़ा लो भाई, ऑलमोस्ट भाई होने ही वाला है, आज तो रोक सकते हैं यहां पे, परफेक्ट। तो ऑल राइट गाइस, फिलहाल यहां पे हम आ चुके हैं एलर के ऊपर और फाइनली अपनी पहले पार्ट की जर्नी खत्म हो चुकी है। अगर गाइस आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया, इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। बाई गाइस, मिलेंगे हम लोग आपसे अब जो है अगले एपिसोड में इसके पार्ट 2 के साथ, सिनेरियो नंबर 2। तो तब तक जो है ख्याल रखिए अपना एंड गुड बाय।